देखिए, जब हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और जब ये पार्टी बनी थी, तो हमारा मेन एजेंडा क्या था, किस बात को लेके हम आए थे? शायद अगर इस देश की सरकार जन लोकपाल कानून बना देती तो हमको ये पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तब हम राजनीति के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। और अगर हम लोगों ने ये पार्टी बनाई तो उसमें एक मुख्य मुद्दा था जन लोकपाल कानून, कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक सख्त कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। हमने अपने 17-18 पॉइंट्स दिए हुए थे, चुनाव में हमने वो वादे किए थे, और हमारा मानना था कि हम एक नई राजनीति करने के लिए आए हैं, एक साफ सुथरी राजनीति करने के लिए आए हैं, तो जनता के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। इसीलिए जब संख्या कम हो गई तो हमने चिट्ठी दोनों पार्टियों को लिखा, सोनिया गांधी जी को भी लिखा, राजनाथ सिंह जी को भी लिखा, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को लिखा, अपने 18 मुद्दे लिखे और कहा कि भाई इन मुद्दों पे अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आप आइए, जनता के हित में काम करते हैं। उसमें से कांग्रेस की ओर से जवाब आया, बीजेपी की ओर से जवाब नहीं आया। लेकिन असेंबली के अंदर जन लोकपाल कानून के मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई और उन्होंने जन लोकपाल कानून नहीं बनने दिया। अब जब जन लोकपाल कानून नहीं बनने दिया तो वहाँ एक चूक हम लोगों से ये हुई कि जिस प्रकार हमने जनता से जनमत संग्रह करा के सरकार बनाई थी, सरकार छोड़ने से पहले भी जनमत संग्रह हमें कराना चाहिए था। लेकिन आप ये कह सकती हैं कि राजनीतिक भावुकता के तहत या जल्दबाजी के तहत या अरविंद केजरीवाल के मन में जो बेचैनी थी कि भाई अगर जनता से वादा किया है तो उसको पूरा करना ही चाहिए, और ईमानदारी की बात यह है कि अगर हम जन लोकपाल नहीं बना सकते तो हमें सत्ता में नहीं रहना चाहिए, ये एक सोच के तहत उन्होंने जल्दबाजी में आके, भावुकता में आके इस्तीफा दे दिया, जिसका बाद में जनता ने खामियाजा हमें दिया और जनता उससे बहुत नाराज हुई। अब